एंड मोर यू कैन डू. आगे जो टॉपिक आने वाला है उसकी सरफेस टेंशन के ऊपर आपने क्या करना है कि उसमें एक बॉल बॉल लेना है जिसमें वाटर रखना है. कैम्फर होता है ना कैम्फर, उसके पीसेस तोड़ के उसमें कहीं कहीं गिरा देने आप. ठीक है, तो कैम्फर जो है वो इररेगुलरली उसके पीसेस मूव करेंगे बिकॉज ऑफ डिफरेंट सरफेस टेंशन. तो वो जो कैम्फर के पीसेस दे विल अपीयर टू डांस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. ये आप ट्राई ठीक है. सो दिस इज अबाउट सरफेस टेंशन. इसकी वीडियो चलो लिखो ये वाला बिट्स ऑफ कैम्फर ऑन वाटर सरफेस. एक और है आपने देखा वाटर के ऊपर कोई इंसेक्ट बैठा हुआ है ना. सरफेस टेंशन की वजह से वो आपने बहुत उसकी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर लेनी है कि और उस पे मार्क कर सकते हो अगर आप वहीं पे एडिटिंग करके अगर आप मार्क कर सको कि वेट और सरफेस टेंशन एक्ट कर रहे हैं. ये डायग्राम आपको बहुत इजीली नेट से मिल जाएगा. तो जैसे कि कहीं पे स्टैग्नेंट वाटर हो वहां मॉस्किटो बैठा हुआ अगर आपको दिखे कहीं, या कूलर गए अंदर वाटर में पता नहीं कहां से आप देख रहे हैं, तो वो एक फोटो हाई रेजोल्यूशन की चाहिए. और ये सरफेस टेंशन फोर्सेस ये अगर आप उस पे लेबल कर दो ये सरफेस टेंशन फोर्सेस हैं. ये अपवर्ड एक्ट कर रहे हैं वेट डाउनवर्ड, तो ये सरफेस टेंशन उसको ऊपर रख रहा है बैलेंस कर रहे हैं. और सेकेंडली आप फिर उसके बाद थोड़ा सा ऑयल मिक्स कर दोगे इस वाटर में तो वो जो मॉस्किटो विल ड्राउन. ये चीज आपको ये ट्राई करो. कौन सी? नहीं नहीं वो नहीं है. सिलेबस देखा ना आपने? सिलेबस देखा ना आपने? देख लो तो ग्रुप में डाल दिया मैंने आपके मेरे से उसका नाम है. इसका क्या फायदा? चलो विस्कोसिटी चैप्टर सेकंड चैप्टर ऑफ लिक्विड्स नाउ. ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या होती है? सपोज हम क्या करते हैं वाटर में शुगर डिसॉल्व करते हैं, वाटर लेके उसमें शुगर लेते हैं और उसका चर्न करना शुरू करते हैं. ठीक है, व्हेन वी स्टॉप चर्निंग इट व्हाट विल हैपन? आपको क्या लगता है कौन सी लेयर सबसे लास्ट में रुकती है? आपको वो लेयर्स रिवॉल्व करती दिखती है, सबसे लास्ट में कौन सी लेयर रेस्ट पे आती है? व्हाट डू यू थिंक? ऊपर वाली कैसे? आप तो क्रॉस सेक्शन से देख रहे हैं ना, सर्कल दिख रहे हैं. सबसे पहले साइड वाली लेयर रेस्ट पे आएगी कि सेंटर वाली? आपने मिल्क लिया या वाटर लिया, उसमें शुगर चर्न की, स्टर की. व्हेन यू स्टॉप स्टरिंग विच लेयर कम्स टू रेस्ट इन द एंड? सेंटर वाली. यू कैन ऑब्जर्व कि वो सेंट्रल लेयर सबसे एंड में आपको रुकती हुई दिखती है. मिल्क में अगर आप कोई पाउडर लेके आप बॉर्नविटा लेके उसमें करो ना चर्न तो आपको इजीली दिखेगा. मिल्क में बॉर्नविटा डिसॉल्व करो तो सेंट्रल लेयर सबसे एंड में रुकती है, ऐसे होता है ना. तो इसका मतलब वो लेयर्स जो है अलग अलग स्पीड से जा रही है. That means different layers in a liquid, they are at different speeds. ठीक है, and their speed depends upon distance from the solid in contact. जो layer solid के साथ contact में है, वो layer slow होती है. जो जितनी away है, central layer है, जितनी away है, उतनी fast होती है. So velocity is varying with distance in this case. Okay, and each layer is trying to oppose the motion of the नेबरिंग लेयर. एक दूसरे की मोशन को अपोज करती है लेयर्स. सो दिस लिक्विड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ अ लिक्विड इन विच दे ट्राई टू अपोज ईच अदर्स मोशन दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी.
तो ये जो प्रॉपर्टी होती है लिक्विड के अंदर, जिसमें अपोजिंग फोर्स उसमें भी आ जाता है लेयर्स ऑफ लिक्विड के अंदर, उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी. सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड फ्रिक्शन बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड फ्रिक्शन. ठीक है, सो विस्कोसिटी इन अदर वर्ड्स इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड फ्रिक्शनल फोर्स. लिखिए विस्कोसिटी की डेफिनेशन. What is the definition of viscosity? Property of a liquid due to which, property of a liquid due to which there is an opposing force between the liquid layers. Due to which there is an opposing force between the liquid layers on account of their relative motion. On account of their relative motion. The liquid layers की जो relative motion है उसकी वजह से they try to oppose each other's motion. This opposition property is called viscosity. Or in simple words, it is called liquid फ्रिक्शनल फोर्स और लिक्विड फ्रिक्शन. ओके फाइन. तो अब हर लेयर दूसरी लेयर की स्पीड को अपोज करती है. सो लेट अस कंसीडर टू लेयर्स ए एंड बी इन अ लिक्विड. ठीक है, तो ये जो हमारा सॉलिड कंटेनर, जो लेयर जितनी क्लोज होगी, सपोज इट इज एट अ डिस्टेंस एक्स, इसकी स्पीड वी है और इसकी इसका डिस्टेंस है x प्लस डी है, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी कि कम होगी? इसकी स्पीड फास्टेस्ट है ना, अभी हमने डिस्कस किया कि सेंट्रल लेयर सबसे एंड पे रुकती है, सो दिस विल बी फास्टर देन द प्रीवियस लेयर व्हिच इज इन व्हिच इज क्लोजर टू द सॉलिड वॉल. दैट मींस वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाय dx एग्जिस्ट. तो इसमें क्या होता है कि जब रिलेटिव मोशन होती है दोनों लेयर्स के बीच में, तो जो स्लोअर लेयर है इट ट्राइज टू डिसेलरेट द फास्टर लेयर, ये उसको स्लो करने की टेंडेंसी रखती है, और जो फास्टर लेयर है ट्राइज टू स्पीड अप द स्लोअर लेयर, जो लेयर स्लो है उसको स्पीड अप करने की टेंडेंसी रखती है, तो वो एक दूसरे के मोशन को अपोज करेंगी. अगर लेयर स्लो है उसको फास्ट करेगी, करने की टेंडेंसी रखती है नेबरिंग लेयर, अगर वो फास्ट है तो उसको स्लो रिटार्ड करेंगे. सो दिस ऑपोजिशन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ विस्कोसिटी और लिक्विड फ्रिक्शन. ठीक है, क्लियर है? तो रिलेटिव मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑपोजिशन अमंग द लेयर्स ऑफ लिक्विड एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी. ठीक है, सो इट इज फाउंड दैट विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट. ठीक है, वेलोसिटी विद डिस्टेंस वेरिएशन को हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं. डायमेंशन भी की थी हमने फर्स्ट यूनिट में इसकी. तो दिस विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट. आल्सो इट इज फाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर्स. इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर्स. कंबाइनिंग दीज टू फैक्टर्स एंड इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी minus eta, we get the formula for this viscous force. So F is the viscous force here. F is equal to minus eta A dv by dx. A तो आपको पता है area of the layers है, dv by dx velocity gradient है. What is eta here? It is called coefficient of viscosity. Eta. वो होती है susceptibility. ठीक है, वो प्लस टू में यूज करोगे आपका. सो ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. डायमेंशन आपको याद ही होगी, एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन. ठीक है, ये तो हम यूज करते थे डायमेंशन के क्वेश्चन में. तो अब इस फॉर्मूला को यूज करके आप इसका यूनिट निकालिए, कैलकुलेट द यूनिट यूजिंग द फॉर्मूला. नहीं, न्यूटन क्यों होगा? ये फोर्स थोड़ी है, ईटा की निकालो ना डायमेंशन यहाँ पे यूनिट. सर ये सॉल्व,
क्या बना? मीटर, मीटर, मीटर स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड। सो इट्स यूनिट इज पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड आ गया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड डेका पॉइस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेका पॉइस। So the SI unit of coefficient of viscosity is deca pois. Pois is named after the scientist Poiseuille. Poiseuille ने ये concept दिया था, उन्हीं के name पे। He gave this concept. But remember, pois is not the SI unit. Deca pois is the SI unit of coefficient of viscosity. It is also called Pascal second. तो दोनों इक्वली गुड है, आप डेका पॉइस भी लिख सकते हो, पास्कल सेकंड भी लिख सकते हो, यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका सीजीएस यूनिट है पॉइस, इट सीजीएस यूनिट इज पॉइस एंड वन डेका पॉइस इज 10 पॉइस, क्योंकि डेका होता है 10, वन डेका पॉइस इज 10 पॉइस। Is that clear? Similarities between viscosity or viscous force and frictional force. Similarities between liquid friction and solid friction. अब ये भी फ्रिक्शन ही है तो सॉलिड फ्रिक्शन के साथ कुछ तो सिमिलर होगा, इसका कुछ डिफरेंसेस भी होंगे। तो लेट अस डिस्कस सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। सिमिलर क्या क्या लगता है आपको? बोथ अपोज द मोशन, द फर्स्ट सिमिलैरिटी इज बोथ आर अपोजिंग इन नेचर, और क्या लगता है आपको सिमिलर दोनों में? नहीं, सिमिलर और क्या? बोथ अराइज ड्यू टू रिलेटिव मोशन। सॉलिड फ्रिक्शन इज ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सॉलिड्स, लिक्विड फ्रिक्शन इज ड्यू टू रिलेटिव मोशन अमंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड। सो बोथ अराइज ड्यू टू रिलेटिव मोशन। डिसिमिलैरिटी, before we do the dissimilarities hum do terms karte hain adhesive and cohesive forces. Adhesive and cohesive forces kya hote hain? Adhesive forces are the forces of attraction between molecules of different types. ठीक है, लिखो डेफिनेशन एडहेसिव फोर्स। जैसे कि हमने एक ग्लास कंटेनर में वाटर डाला, वाटर को पोर आउट कर दिया, तो क्या वो ग्लास बिल्कुल ड्राई होगा कि कुछ वाटर उस पर स्टिक कर जाएगा? वेट हो जाएगा ना वो। तो इसका मतलब दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ग्लास मॉलिक्यूल। तो ये एडहेशन शो कर रहा, दिस इज कॉल्ड एडहेशन। दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस को आप बोलोगे एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स और फोर्स ऑफ एडहेशन। फॉर एग्जाम्पल, वॉटर वेट्स द ग्लास because of strong adhesive force. Water wets the glass because of strong adhesive forces. Paints, application of paints on the walls, paint sticks to the wall because of strong adhesive force. All the fabricals and glues etc., they stick to the paper, they stick to the substances so easily because of strong adhesive forces. Okay,
ink sticks to the paper so easily because of strong adhesive force, right? Then co means same. So this is on the contrast. This is the force of attraction between molecules of same type. For example, देख सकते हो कहाँ पे आपको दिखता है कि उसी मॉलिक्यूल का अपने ही टाइप के मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग एडहेसिव स्ट्रॉन्ग फोर्स है, मर्करी. तो इसका एग्जांपल आप लिखो, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट अ मर्करी बॉल इनटू स्मॉलर बॉल. कभी आपने शायद कोशिश की होगी एक थर्मोमीटर टूटने पे, आजकल तो डिजिटल थर्मोमीटर यूज करते हैं. हाँ, तो वो आप उसको सेपरेट भी करो ना पिन के साथ, सेफ्टी पिन के साथ, एक मर्करी ड्रॉप को, तो बहुत मुश्किल पड़ती है और वो ज्वाइन होती जाती है. आपको सेपरेट करने के लिए बहुत डिफिकल्टी होती है. दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस अमंग मर्करी मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सो दैट मींस मर्करी मॉलिक्यूल्स दे प्रेफर टू बी विद मर्करी मॉलिक्यूल्स. तो अगर हम मर्करी को थर्मोमीटर में डालते हैं, ग्लास में डालते हैं, अगर वो उसको बाहर निकाल ले तो क्या मर्करी ग्लास के साथ स्टिक करता है? नहीं करता. इसका मतलब देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ कोहेशन बिटवीन मर्करी मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ एडहेशन बिटवीन मर्करी एंड ग्लास मॉलिक्यूल. मर्करी और ग्लास के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है वो इसका मतलब वीक है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स बिटवीन मर्करी एंड मर्करी मॉलिक्यूल. मर्करी मॉलिक्यूल दे प्रेफर टू बी विद अदर मर्करी मॉलिक्यूल्स रादर देन बीइंग विद ग्लास मॉलिक्यूल. ठीक है, तो एडहेसिव कोहेसिव का मतलब समझ में आ गया आपको, राइट? तो ये भी आप एक एक्टिविटी कर सकते हो. ये बात मर्करी ड्रॉप को इजिली छोटे छोटे ड्रॉप्स ज्वाइन करते हुए दिखा सकते हो और उसको डिफिकल्टी इन ब्रेकिंग द ड्रॉप इन टू स्मॉलर ड्रॉप ये भी दिखा सकते. This is another activity showing cohesive. The example is mercury does not wet the glass because of weak adhesive force with water molecule and strong cohesive force with mercury molecule. ठीक है, चलिए similarities में अब आपको पता लग गया होगा कि solid friction is due to adhesive forces. उसमें दो different type के substances होते हैं और cohesive force is due to this liquid friction is due to cohesive force. इनका molecular origin जो है forces का वो different. जो liquid की layers है एक ही liquid की layers है, उनमें आपस में friction हो रहा है, opposition हो रही. So solid friction is the result of adhesive forces, but liquid friction is the result of cohesive force. ये हमारी पहली dissimilarity है. ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट डिसिमिलरिटी. सेकंड डिसिमिलरिटी और कोई लगती है आपको? लॉज ऑफ फ्रिक्शन किए हैं हमने, उसमें हमने थर्ड लॉ क्या बोला था, दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस, बट दिस लिक्विड फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ द लेयर. तो ये आपकी सेकेंड डिसिमिलरिटी हो गई, दैट सॉलिड फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्फेस बट लिक्विड फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ द लेयर्स. तो ये एरिया फैक्टर का डिफरेंस आ गया. सॉलिड फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्फेसेस, बट लिक्विड फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ लेयर्स. एक और डिसिमिलरिटी, जो सॉलिड फ्रिक्शन था वो स्पीड विद विच द सर्फेसेस दे मूव ओवर वन अनदर उसपे इंडिपेंडेंट, स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता था. बट ये जो लिक्विड फ्रिक्शन है ये स्पीड ऑफ वन लेयर ओवर द अदर उसपे डिपेंड करती है. यहाँ पे स्पीड मैटर कर रही है, वहां पे स्पीड पे डिपेंडेंस नहीं. ठीक है, सो व्हाट इज द थर्ड डिसिमिलरिटी, दैट सॉलिड फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड विद विच द सर्फेसेस मूव over one another. Solid friction does not depend upon the speed of surfaces, but liquid friction depends upon velocity of different layers.
इट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ डिफरेंट लेयर्स. स्पीड की तो गेम है इसमें, हम वही तो सबसे पहला पॉइंट हमने ये देखा कि कौन सी लेयर फास्टर है कौन सी स्लोअर है, ये हमने फर्स्ट पॉइंट ऑब्जर्व किया. So are the similarities and dissimilarities clear to you? Okay. So next is after that Stokes law. ये वही फॉर्मूला है जिसका यूज करके आप लोगों ने ईटा की डायमेंशन निकाली. Stokes law. Stokes law. This is about the motion of a spherical body falling freely through a medium, जैसे कि raindrops falling in the air, ठीक है? तो इसमें हमारे पास एक spherical object of radius r that is falling freely through a medium of different density, जैसे कि water की drop है, raindrop है, उसकी density water की होती 1000 kg per meter cube, पर ये medium कौन से air में से गिर रही है, air की density होती only 1 kg per meter cube, 1.293 kg per meter cube. तो डेंसिटीज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है? सो व्हेन इट फॉल्स फ्रीली थ्रू दैट लिक्विड व्हाट विल हैपन, इट विल ड्रैग द एयर लेयर्स विद इट, एयर लेयर्स को अपने साथ ले जाएगा, ठीक है? एंड इट विल एक्सपीरियंस अ बैकवर्ड फोर्स, इट विल एक्सपीरियंस अ बैकवर्ड फोर्स दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी एंड द स्पीड विद व्हिच इट इज फॉलिंग फ्रीली. ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. इसका प्रूफ जो है वो वही है, डायमेंशनल है. तो तीन फैक्टर्स हैं, आप ये कंप्लीट करके आना कि क्या फॉर्मूला है हमारा इसका. तीन फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए, आपने इसका फॉर्मूला डिराइव करके आना डायमेंशनल. ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर इज रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, वी इज वेलोसिटी विद व्हिच इट इज फॉलिंग. ओके फाइन.